हेलो गाइस, आज हम लाए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पदक नंबर 106 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका विज्ञान है। डेट जिसकी 24 मार्च 2022। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक के नाम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर हम बीमार क्यों होते हैं उसे कंटिन्यू करेंगे। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें सबसे पहले, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी ज़रूर करिएगा। हम जानते हैं कि रोग जो होते हैं वो तत्कालीन कारक यानी सूक्ष्मजीव से होते हैं, उन्हें हम सकारात्मक रोग कहते हैं। सकारात्मक कारकों की श्रेणियों के बारे में भी सीखना चाहिए, क्योंकि हमें उनके खिलाफ उपचार के बारे में भी निर्णय लेने में मदद मिलती है। जैसे एंटीबायोटिक जो दवाई होती है वो बैक्टीरिया से होती है और वायरस से नहीं होती, और या किसी और संक्रमण से भी नहीं होती। इसमें कुछ वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया, कोशिक जंतु, अनेक प्रकार की परजीवी कृमि हैं। अब रोगाणु क्या होता है? वह स्वस्थ जीवों में रोग उत्पन्न करने वाले रोग कारक जीव। इन रोगाणुओं में शामिल है कुछ जैसे हानिकारक सूक्ष्मजीव, जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, बहुकोशिकीय परजीवी कृमि, ये सारे रोगाणु के अंदर आते हैं। अब रोगवाहक क्या होता है? वह जीव जो स्वतंत्र संक्रमित जीव से रोगाणुओं को स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित करते हैं, यानी जो रोगाणुओं को कैरी करते हैं, पकड़ के रखते हैं। जैसे मच्छर, मच्छर में भी आपको देखा रोगाणु होगा, वो आपको काट लेगा तो आपको कोई बीमारी भी हो सकती है। चूहा, कुत्ता, बंदर, कीट, रेबीज रोग रोगवाहक द्वारा होता है, और अगर आपको कुत्ता काट ले तो आपको रेबीज हो जाता है। अब यहाँ पे 4 टेबल दे रखी है। बैक्टीरिया से होने वाले इन्हें रोग को हम बैक्टीरियल या बैक्टीरिया जनित रोग भी कहते हैं। वायरस से होने वाले रोग वायरल या वायरल जनित रोग भी कहते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग और परजीवी कृमि से होने वाले रोग और कवकों से होने वाले रोग भी दे रखे हैं आपको। तो बैक्टीरियल वाले सबसे देखते हैं, टेटनस, टाइफाइड बुखार, निमोनिया, प्लेग, टीबी, कस्ट्रोक, क्लोरा, डिप्थेरिया, काली खांसी, गिनोरिया, सिकलस और एंथ्रेक्स, ये सारे बैक्टीरियल हैं। इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार, छोटी माथा, छोटी चेचक, खसरा, गलसुआ, एड्स, पोलियो, सर्दी, जुकाम, हेपेटाइटिस, हर्पीस, दिमागी बुखार और रेबिस, ये सारे वायरल डिसीज़ हैं, और आप इसमें कोविड भी ऐड कर सकते हैं। फिर है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, मलेरिया, कालाजार जो कि लक्ष्मीजन से होने वाला है, निद्रालु व्याधि जो कि ट्रिपोसोमा से होने वाला है, अम्बी और अमीबीसिस। फिर है परजीवी कृमि से होने वाले रोग, वो है एक्सेरिसिस, पिनवॉर्म, फ्रीता कृमि, अंकुश कृमि, फिलपाओ। फिर है कवकों से होने वाले रोग, तो कैंडिडा संक्रमण, नाखून संक्रमण, दांत खाज, त्वचा रोग इत्यादि, ये सारे कवकों से होने वाले रोग हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, क्या सभी सूक्ष्मजीव रोग कारक होते हैं? तो नहीं, सभी सूक्ष्मजीव रोग कारक नहीं होते। तो आप लिखेंगे यहाँ से, सभी रोगाणु हानिकारक नहीं होते। कुछ रोगाणु एंटीबायोटिक उत्पन्न करते हैं जिसका उपयोग कई रोगों से उपचार के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार सभी रोगाणु हानिकारक नहीं होते। दूसरा प्रश्न है, यदि कुत्ता किसी व्यक्ति को काट ले तो वह किस रोग से संक्रमित हो सकता है? तो हमें रेबीज संक्रमित हो सकता है अगर कुत्ता हमें काट ले तो। एड्स का विस्तार करें तो एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और आगे लिखा है जीवाणु और विषाणु से होने वाले 5 रोगों के नाम लिखिए। तो बैक्टीरियल टाइफाइड, बैक्टीरिया से हो जाएगा टाइफाइड, टीबी, हेजा, खांसी और कुछ बीमारियों का कारण बन सकता है, जबकि वायरस से कोविड, एड्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, चेचक जैसी बीमारी हो सकती है। चौथा प्रश्न है, काला आजार और नींद की बीमारी के प्रेरक का नाम बताइए। तो काला आजार और नींद की बीमारी का कारक हो जाएगा एजेंट प्रोटोजोआ, या आप ये भी लिख सकते हैं काला आजार हमारा लेश्मानिया से होने वाला है, और निंद्रालु व्याधि हमारा ट्रिपनोसोमा से होने वाला है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, और प्रोटोजोआ तो लिखेंगे ही। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू। बाय बाय गाइज़।